हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माधिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्टेट एग्जाम 2024 के लिए पैडागोजी एंड अदर स्किल से 50 प्रश्न देखेंगे, जो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, आप देखते हैं कि कक्षा शिक्षण के दौरान कोई छात्र पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं दे रहा है, आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? ऑप्शन में दिया गया है, उस छात्र को डांटेंगे, उसे चेतावनी देने के बाद कक्षा से बाहर निकाल देंगे, पढ़ाते समय उससे प्रश्न पूछते रहेंगे ताकि उसका ध्यान पढ़ाई में लगा रहे, उसको स्पष्ट बता देंगे कि या तो वह ध्यान दे या कक्षा से बाहर चला जाए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पढ़ाते समय उससे प्रश्न पूछते रहेंगे ताकि उसका ध्यान पढ़ाई में लगा रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है तो शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? ऑप्शन में दिया गया है, उसे दंडित करेंगे, उसके प्रश्न पर ध्यान नहीं देंगे, उसको बता देंगे कि उसका प्रश्न प्रासंगिक नहीं है, उस छात्र को बता देंगे कि उसके प्रश्न का उत्तर कक्षा के बाहर बाद में देंगे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उसको बता देंगे कि उसका प्रश्न प्रासंगिक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं कहलाती है। तो दोस्तों, एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं क्या कहलाती है? ऑप्शन में दिया गया, आइसो नॉर्मल, आइसो बाथ, आइसो बार, आइसो हाइट। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आइसो बार कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच की सीमा रेखा है? ऑप्शन में दिया गया है, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, चीन। तो दोस्तों, मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन देश के बीच की सीमा रेखा है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, गणित के ज्ञानात्मक पक्ष में उच्चतम स्तर का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन में दिया गया है, विश्लेषण, मूल्यांकन, अनुप्रयोग, आदत निर्माण। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मूल्यांकन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फ्रोबेल की किंडरगार्टन पद्धति शिक्षण के किस आधारभूत सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन में दिया गया है, प्रेरणा का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, क्रियाशील का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रियाशील का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, गणित का वह शैक्षिक उद्देश्य जिसे शिक्षक कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है क्या कहलाता है? ऑप्शन में दिया गया है, व्यवहारगत उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, प्राप्य उद्देश्य। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्राप्य उद्देश्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, बताना कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन में दिया गया है, व्यक्ति को धन प्रदान करना, व्यक्ति को केवल शिक्षित करना, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, व्यक्ति का चारित्रिक विकास करना। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड उस अभियान का सांकेतिक नाम है जो, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है किस अभियान का सांकेतिक नाम है? ऑप्शन में दिया गया, प्राथमिक विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवाता है, श्यामपट की सुविधा उपलब्ध करवाता है, शिक्षकों द्वारा श्यामपट के सही प्रयोग हेतु प्रशिक्षण प्रदान करता है, प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्रदान करवाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्राथमिक विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक है वह जो, ऑप्शन में दिया गया है, कक्षा में बातचीत रोकने में सफल हो जाता है, बातें करने वाले को दंडित करता है, उदासीन है, जो सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, परियोजना विधि के प्रतिपादक हैं। तो परियोजना विधि के प्रतिपादक जो है कौन है? ऑप्शन में दिया गया है, दुर्खिम, प्लेटो, किल पैट्रिक, सुकरात। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, किल पैट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन 200 निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का बुद्धि सिद्धांत या विचार विशेषता विकासात्मक पथ से संबंधित है? ऑप्शन में दिया गया है थॉमसन का, बीने का, पियाजे का, थर्स्टन का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पियाजे का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 200, बालक गणित और विज्ञान में आगे होते हैं जबकि बालिकाएँ भाषा और सुंदर हस्तलेख में, क्यों? ऑप्शन में दिया गया व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण, रुचि के कारण, संवेग के कारण, चिंतन के कारण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जिसका कसाई के साथ वही संबंध है जो जूता का मोची से है। ऑप्शन में दिया गया प्लास्टिक, मांस, सब्जियाँ, लकड़ी। तो दोस्तों कसाई के साथ वही संबंध है, किस कौन सा शब्द हो जाएगा? तो मांस। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में कौन है? ऑप्शन में दिया गया है क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफॉर्म, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, क्लोरोफिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित चार शब्दों में से तीन किस प्रकार से एक समान है और एक असंगत है? असंगत शब्द का चयन कीजिए। दिया गया दोस्तों शिमला मिर्च, बैगन, आलू, भिंडी। अब इसमें बताना दोस्तों कौन सा असंगत शब्द है। तो दोस्तों शिमला मिर्च, बैगन और भिंडी ये सभी क्या है? हरी सब्जियां हैं। आलू क्या है दोस्तों? ये जो है अलग है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, साइलेंट वैली या मुक घाटी किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन में दिया गया तमिलनाडु, गोवा, जम्मू कश्मीर, केरल। तो साइलेंट वैली या मुख घाटी जो है किस राज्य में अवस्थित है? तो केरल में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षक शिक्षा में इंटर्नशिप कार्यक्रम का उद्देश्य है? तो दोस्तों शिक्षक शिक्षा में इंटर्नशिप कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन में दिया गया विद्यालय में शिक्षकों की सहायता, प्रशिक्षण संस्थाओं में शिक्षक अध्यापकों करी सहायता, प्रशिक्षण कार्यक्रम में छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका की सहायता, ऐसे विद्यालय जहां इंटर्नशिप संचालित हो रही है वहां के प्रधानाध्यापकों की सहायता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, प्रशिक्षण कार्यक्रम में छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका की सहायता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, सीखने के संबंध में सही कथन क्या है? ऑप्शन में दिया गया सीखने की प्रवृत्ति केवल मनुष्यों में पाई जाती है, दैनिक क्रियाओं के माध्यम से सीखने से मानसिक विकास प्रभावित नहीं होता है, सीखने का संबंध परिस्थिति के क्रमिक परिचय से है, सीखने के लिए उत्तेजित और निर्देशित उद्देश्यों की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों सीखने के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सीखने का संबंध परिस्थिति के क्रमिक परिचय से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षक तभी अपने छात्रों को प्रभावित कर सकता है जबकि, ऑप्शन में दिया गया है वह अध्ययन करके पूरी तैयारी से कक्षा में पढ़ाए, वह पढ़ाते समय मनोवैज्ञानिक शिक्षा के सिद्धांतों पर चले, वह छात्रों से दृढ़ता से काम ले, हर बात को कई बार दोहराकर छात्रों को समझाए। तो दोस्तों शिक्षक तभी अपने छात्रों को प्रभावित कर सकता है जबकि वह पढ़ाते समय मनोवैज्ञानिक शिक्षा के सिद्धांतों पर चले। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से समय क्रम के अनुसार शैक्षणिक योजना निर्माण का प्रथम चरण कौन सा है? ऑप्शन में दिया गया शिक्षण की संपूर्ण योजनाओं का निर्माण, दैनिक पाठों की सूक्ष्म पाठ योजनाओं का निर्माण, वृहद इकाई पाठ योजनाओं का निर्माण, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शिक्षा का उद्देश्यों का निर्धारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, आबू धाबी किस देश की राजधानी है? तो दोस्तों आबू धाबी जो है किस देश की राजधानी है? ऑप्शन में दिया गया संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, इटली, दक्षिण कोरिया। तो दोस्तों आबू धाबी जो है किस देश की राजधानी है? तो संयुक्त अरब अमीरात की है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे भारत में पिछड़े वर्गों और जातियों के प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया जा सकता है?
ऑप्शन में दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आदर्शवाद की मुख्य शिक्षण विधि कौन सी है। तो दोस्तों आदर्शवाद की मुख्य शिक्षण विधि कौन सी है। ऑप्शन में दिया गया क्रिया विधि, अनुभव विधि, प्रश्नोत्तर व वाद विवाद प्रोजेक्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रश्नोत्तर ये व वाद विवाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक शिक्षक जो अपनी कक्षा में उत्तम वातावरण तैयार करना चाहता है उसे निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। ऑप्शन में दिया गया उसे कठोर अनुशासन सिद्धांतों का अनुसरण करना चाहिए, उसे छात्रों को चुनौतीपूर्ण नवीन अनुभव प्रदान करने चाहिए, उसे छात्रों को निरंतर मौखिक एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में व्यस्त रखना चाहिए, उसे कठोर नियमों की स्थापना बिना किसी भेदभाव के करनी चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उसे छात्रों को चुनौतीपूर्ण नवीन अनुभव प्रदान करने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, जब एक छात्र विशेष के पढ़ने में अरुचि का प्रदर्शन करने लगे तो शिक्षक को तुरंत निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। ऑप्शन में दिया गया है उसके गृह कार्य में कटौती करनी चाहिए, परिचार्ज से शिकायत करनी चाहिए, वास्तविक कारण की खोज करनी चाहिए, नवीन शिक्षण कार्य प्रदान करें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वास्तविक कारण की खोज की उपाय करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, एक अच्छे शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए क्योंकि। ऑप्शन में दिया गया इससे शिक्षण अधिक प्रभावशाली हो जाता है, इससे शिक्षण कार्य जल्दी संपन्न किया जा सकता है, इससे शिक्षण कार्य आसानी से किया जा सकता है, इससे शिक्षक को आत्मविश्वास मिलता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इससे शिक्षण अधिक प्रभावशाली हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, आप देखते हैं कि कक्षा शिक्षण के दौरान कोई छात्र पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं दे रहा है, आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। ऑप्शन में दिया गया उस छात्र को डांटेंगे, उसे चेतावनी देने के बाद कक्षा से बाहर निकाल देंगे, पढ़ाते समय उसे प्रश्न पूछते रहेंगे ताकि उसका ध्यान पढ़ाई में लगा रहे, उसको स्पष्ट बता देंगे या तो वह ध्यान दे या तो कक्षा से बाहर चला जाए। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पढ़ाते समय उसे प्रश्न पूछते रहेंगे ताकि उसका ध्यान पढ़ाई में लगा रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है तो शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। ऑप्शन में दिया गया उसे दंडित करेंगे, उसे प्रश्न पर ध्यान नहीं देंगे, उसको बता देंगे कि उसका प्रश्न प्रासंगिक नहीं है, उस छात्र को बता देंगे कि उसके प्रश्न का उत्तर कक्षा के बाहर बाद में देंगे। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, उसको बता देंगे कि उसका प्रश्न प्रासंगिक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, पाँच अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 8, 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाज्य है। तो दोस्तों पाँच अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताना है जो 6, 8, 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाज्य है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 6, 8, 12, 15, 20 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे, अब एलसीएम इसका निकल कर कितना आएगा। तो दोस्तों इसका एलसीएम जो है निकल कर 120 आएगा। अब पाँच अंकों की बड़ी संख्या क्या होता है, तो पाँच अंकों की बड़ी संख्या 5, 9 होता है। ठीक है, अब इसको 120 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब जो शेष बचेगा उसको क्या करेंगे, पाँच अंकों की बड़ी संख्या में घटा देंगे। ठीक है, तो इसका शेष दोस्तों 39 बचेगा। अब 39 क्या है, इसको में घटा देंगे पाँच अंकों की बड़ी संख्या में। ठीक है, 39 घटाएंगे, घटाने पर जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 0, 6, 9, 9, 9 ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, 5,808 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो दोस्तों बताना कि 5,808 को जो है किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसका गुणनखंड निकालेंगे और जिसका जिसका स्क्वायर होगा उसका तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, और जिसमें सिंगल बच जाएगा यानी 3 बच जाता है, जो एक सिंगल बचता है। ठीक है, और अगर 3 से गुना करते हैं तो 1 हो जाएगा स्क्वायर में। तो ये इसका डी हो जाएगा, जो 3 से गुना करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, 640 रुपया को का कुल धन जो है 1 रुपया, 5 रुपया तथा 10 रुपया
के नोटों में है। यदि प्रत्येक प्रकार के नोट बराबर हो तो कुल नोटों की संख्या कितनी होगी? कुल नोटों की संख्या निकालना है। यहाँ पर दोस्तों मान लेंगे कि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या एक्स है, ठीक है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या एक्स है, तो एक रुपया का नोट है तो एक एक्स होगा, नहीं एक्स हो जाएगा, ठीक है। प्लस करेंगे पाँच रुपया का नोट को पाँच एक्स करेंगे, फिर दस रुपया का नोट में दस एक्स कर देंगे, गुना कर देंगे, टोटल जोड़कर कितना रुपया है? तो 640 रुपया है। अब इसी को सोल्व करेंगे तो एक्स बरो निकल कर आ जाएगा 40। अब निकालना है कुल नोटों की संख्या, तो कुल नोटों की संख्या तो कितने प्रकार के नोट हैं? तो एक रुपये के, पाँच रुपये के और दस रुपये के, यानी तीन प्रकार के नोट हैं। तो तीन से क्या करेंगे? गुना कर देंगे, यानी 40 गुने तीन कर देंगे, तो चार या 12 नहीं 120 हो जाएगा। तो टोटल कुल नोटों की संख्या 120 हो जाएगा। सी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अध्यापक बनने के बाद आपके विचार अनुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना जरूरी है? ऑप्शन में दिया गया है पुस्तकालय, टेलीविजन, सजा हुआ ड्राइंग रूम, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पुस्तकालय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किचन, क्या आप कक्षा के सभी छात्रों को एक ही गृह कार्य देना ठीक समझते हैं? तो दोस्तों बताना है कि क्या जो है आप कक्षा के सभी छात्रों को एक ही गृह कार्य देना ठीक समझते हैं। ऑप्शन में दिया गया जी हाँ, इसे मूल्यांकन सही होता है। जी नहीं, क्योंकि सब छात्रों का योग्यता स्तर समान नहीं होता है। जी नहीं, क्योंकि छात्रों की अभिरुचि अलग अलग हो सकती है। जी हाँ, क्योंकि अध्यापक का काम आसान हो जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जी नहीं, क्योंकि छात्रों की अभिरुचि जो है अलग अलग हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, मानसिक रूप से पिछड़े बच्चों को आप क्या सिखाना पसंद करेंगे? ऑप्शन में दिया गया नियमित पाठचर्या की पढ़ाई, किंतु उन्हें काम के लिए दुगना समय देंगे, उन्हें आवश्यक बातें जो है रटा देंगे, उन्हें अगले यात्रा करने, पैसे खर्च करने, हिसाब रखना आदि जैसे व्यवहारिक क्रियाकलापों के माध्यम से सक्षम बनाएंगे, उन्हें अपने पसंद का कार्य करने देंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, उन्हें अकेले यात्रा करने, पैसे खर्च करने, हिसाब रखना आदि जैसे व्यवहारिक क्रियाकलापों के माध्यम से सक्षम बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किचन दोस्तों, तोड़ फोड़ करने वाले नटखट छात्र को सही रास्ते पर लाने के लिए आपका क्या सुझाव है? ऑप्शन में दिया गया, उसे कक्षा में जो है सबसे अधिक बैठाकर उस पर लगातार नज़र रखनी चाहिए, उसकी सीट कक्षा के एक कोने में निर्धारित कर दी जानी चाहिए, उसकी प्रवृत्ति के अनुरूप उसे पेड़ों को सींचने, सैंपट को साफ करने, मिट्टी के खिलौने बनाने आदि जैसे काम में लगाया जाना चाहिए। जब भी वह नटखटपने की कोई हरकत करे उसे भरी कक्षा में इसका कारण पूछा जाना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जब भी वह नटखटेपन की कोई हरकत करे उससे भरी कक्षा में इसका कारण पूछा जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणियों में से अगले स्थान पर कौन सा आएगा। अब दोस्तों अगले स्थान पर बताना है यहाँ पर क्या आएगा। दिया गया 17, दिया गया 36, दिया गया 76, 158 और उसके बाद बताना है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो क्या करेंगे, 17 गुने 2 प्लस 2 करते हैं तो कितना होता है 36, इसी पर 36 गुने 2 तो 72 हो गया, प्लस 4 करेंगे 76, 76 गुने 2 करेंगे और प्लस इसके बाद 6 करेंगे, ठीक है। अब आगे करेंगे 158 गुने 2 प्लस 8 करेंगे, तब दोस्तों क्या आएगा, 324 आएगा, ठीक है। तो 324 इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन से दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या बताना है, ठीक है। तो सबसे पहला रो में देखेंगे, ठीक है, यानी 6, 9 और 5 में देखेंगे। अगर दोस्तों 6 और 5 को गुना करते हैं, 6 गुने 5 करते हैं तो कितना होता है, 6 पचे 30, 6 पचे 30 होता है। अब 30 को क्या करेंगे, 3 प्लस 0 को जोड़ देंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा, 9 आएगा, तो 9 बीच वाला हो गया। इसी प्रकार इसका चेक करेंगे, 7 गुने 8 तो 8 से 56 और 56 में हो गया 5 प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 5 11, 11 का स्क्वायर 121, तो 121 बीच में है। अब इसी प्रकार इसको करेंगे तो 3
गुने चार यानी 12 हो जाएगा, और 12 हो जाएगा 12 को करेंगे 1 + 2 का स्क्वायर तो 3 हो गया, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, तो 9 यहाँ पर आएगा, तो 9 इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किचन प्रयोजनवाद शिक्षा दर्शन की शिक्षा को देन है। ऑप्शन में दिया गया है आगमन निगमन विधि, करके सीखना, योजना पद्धति, उपयोग सभी। तो दोस्तों प्रयोजनवाद शिक्षा दर्शन की शिक्षा को देन है करके सीखना, ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है। तो दोस्तों बताना है कि कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिकतम परिणाम लाने के लिए शिक्षक केवल एक अधिगम शैली पर ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किचन दोस्तों विद्यालय के शिक्षकों की कार्य क्षमता विकसित करने के लिए प्रधानाध्यापक को क्या करनी चाहिए। ऑप्शन में दिया गया पुस्तकालय की स्थापना करनी चाहिए, संग्रहालय की स्थापना करनी चाहिए, छिद्रान्वेषण की स्थापना करनी चाहिए, मानवीय संबंध स्थापित करना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मानवीय संबंध स्थापित करने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किचन शिक्षा के क्षेत्र में ली जाने वाली परीक्षा से हम जान सकते हैं कि, ऑप्शन में दिया गया विद्यार्थी कितना बुद्धिमान है, अध्यापक द्वारा पढ़ाया गया कार्य विद्यार्थी किस प्रकार प्रस्तुत करता है, विद्यार्थी पूरे वर्ष में किए गए कार्य का कितना भाग आद कर सकता है, विद्यार्थी का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है या नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, विद्यार्थी का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किचन से शरारती बच्चों वाली कक्षा के बारे में आप क्या करेंगे। ऑप्शन में दिया गया कुछ छात्रों को दूसरे सेक्शन में भेजने की सलाह देंगे, कुछ छात्रों को स्कूल से निकालने की सिफारिश करेंगे, प्रधानाध्यापक को स्थिति से अवगत करा देंगे, उस कक्षा के बच्चों को पढ़ाना बंद कर देंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कुछ छात्रों को दूसरे सेक्शन में भेजने की सलाह देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किचन शिक्षक अपने कक्षा में अच्छा अनुशासन रखने में सफल हो सकता है यदि हुआ। ऑप्शन में दिया गया बच्चों के प्रति हमेशा कड़ा व्यवहार करें, बच्चों की इच्छा के अनुसार कार्य करें, बच्चों के साथ विनम्र रहे किंतु दृढ़ भी रहे, कभी कभी बच्चों को जिद मान लिया करें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बच्चों के साथ विनम्र रहे किंतु दृढ़ भी रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किचन निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो दोस्तों बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन में दिया गया विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है, व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, विकास की सटीक गति प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किचन निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों बताना है कि इनमें से कौन सा जो है समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन में दिया गया विशिष्ट शिक्षा योजना, एकरूप निर्देशन, मानकीकृत परीक्षण, प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, विशिष्ट शिक्षा योजना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किचन दोस्तों दो संख्याओं का अनुपात 9:5 है, यदि दोनों संख्याओं में 4 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 31:19 हो जाता है, तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याओं का अंतर निकालना, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों दो संख्याओं का अनुपात दिया गया 9:5, तो दोस्तों मान लेंगे पहली संख्या जो है 9x हो जाएगा और दूसरी संख्या 5x हो जाएगा। अब यहाँ पर अनुपात में दिया गया तो 9x/5x कर देंगे, दोनों में दोस्तों 4 की वृद्धि किया जा रहा है तो 4 जोड़ देंगे, ठीक है। अब दोस्तों अनुपात जो है 31:19 हो जाता है, तो 31/19 कर देंगे। अब इसी को सोल्व करेंगे तो x का वैल्यू निकल कर आएगा, तो x का वैल्यू दोस्तों निकल कर आएगा इसका 3 आएगा, ठीक है। अब अंतर निकालना है दोनों संख्याओं का, तो दोनों संख्याओं का अंतर करेंगे तो 9x - 5x करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, और 4 × x का वैल्यू 3 आया तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा, 12 इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किचन दोस्तों 225 मीटर लंबे बाड़े में
26 पेड़ इस प्रकार लगाए गए हैं जिनके बीच की दूरी बराबर है। बाड़े के प्रत्येक किनारे पर एक पेड़ हो तो पेड़ों के बीच की दूरी क्या होगा? तो पेड़ों के बीच की दूरी निकालना है। 26 पेड़ लगाए गए और समान दूरी पर सभी है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो दोस्तों 225 में क्या करेंगे, 26 पेड़ लगाए गए तो एक घटा देंगे, ठीक है, यानी 25 से भाग दे देंगे। 25 9 2 25, 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 18 27 और 36 से अलग अलग भाग देने पर शेष क्रमशः 5 14 तथा 23 बचता है। तो वह छोटी से छोटी संख्या निकालना है जिससे जो है 18 27 और 36 से अलग अलग भाग देने पर शेष क्रमशः जो है 5 14 और 23 बचता है, ठीक है। तो क्या करेंगे दोस्तों, सभी को क्या करेंगे, 18 से भाग देंगे, शेष कितना बच रहा है 5, तो 18 में माइनस 5 करेंगे तो 13। इसी प्रकार दोस्तों 27 माइनस 14 करेंगे तब कितना बचेगा 13, 36 माइनस 23 करेंगे तो 13 बचेगा, यानी सभी में 13 बच रहा है। अब क्या करेंगे दोस्तों, 18 27 और 36 का एलसीएम निकालेंगे। 18 27 और 36 का अगर एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम इसका निकल कर कितना आ जाएगा, 108 आएगा, ठीक है। अब 108 आएगा और सभी में दोस्तों कितना घट कर आया 13, तो इसमें क्या करेंगे 13 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 95, 95 यही आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।